देखिए अभी जब शराबबंदी का मामला है तो उसमें सुश्री सरोज पांडे जी का और श्री धर्मलाल कौशिक जी का बयान सरकार के निर्णय से बिल्कुल इधर था, उससे विपरीत था। तो इसके अंदर खाने में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही, उथल पुथल चल रही है। इसको इसको साधने के लिए अभी अपने विधायकों को बुलाया, फिर अभी जो टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं वो हो रहा है। तो संगठन और सत्ता के बीच में जंग छिड़ चुकी है। अभी जैसा बयान आ रहा है, निर्णय करेंगे पार्टी, इसका तो निर्णय करेंगे। रमन सिंह की हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख सके। मैंने विधानसभा में ही कहा था कि आप समय लीजिए, पूरे 90-90 विधायक जाएंगे प्रधानमंत्री के पास और बोनस के लिए और 2100 रुपए समर्थन मूल्य के लिए, दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे। आपके पास समय ले लीजिए, बात हम लोग कर लेंगे, यदि आपकी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। छत्तीसगढ़ के हितों का कुठाराघात कर रहे हैं रमन सिंह। शराब दुकानें जो सरकार खोल रही है, और दूसरा जो विषय है एसीबी ने जो छापा मारा, उसके अलावा जो चाहे एसीबी ने छापा डाला है, 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, पता चला है कि सोने चांदी तौलने के लिए उनको तराजू बाट लाना पड़ा। ये तो छोटी मछलियां हैं, यहाँ तो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े भ्रष्ट अधिकारी जो मंत्रालय में बैठे हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए जो अधिकारी हैं, यदि इनके यहाँ छापा डाला जाए, मंत्रियों के यहाँ छापा डाला जाए, तो जेसीबी बुलानी पड़ेगी लोड करने के लिए और तौलने के लिए धर्मकांटा में ले जाना पड़ेगा। जेसीबी ये छोटे छोटे लोगों के तंग करने के बजाय, जब छोटे मछलियों के यहाँ इतना है तो बड़े मछलियों के यहाँ, बड़े मगरमच्छों के यहाँ कितना होगा। जेसीबी वहाँ क्यों छापा नहीं डालती? उस समय भी जो छापा डाले थे आईएएस अधिकारियों के घर में छापा नहीं पड़ा था, उनके यहाँ छापा डालने की हिम्मत करे कि छोटे मोटे अधिकारियों को छोड़े और अपने खाना पूर्ति करना बंद करे। बड़े अधिकारियों के यहाँ और बड़े मंत्रियों के यहाँ छापा डाले, उनको तो ट्रक बुलानी पड़ेगी और धर्मकांटा में तौलवाना पड़ेगा। शराब के मामले में ये सरकार खुद कहती रही कि हम शराब दुकानें बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे शराब बंदी की ओर हम जाएंगे, लेकिन सरकार ने यू टर्न ले लिया। अब नीलामी के बजाय खुद ही शराब बेचने में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से शराब भट्टी हटाई जाए, ये सरकार खुद ही शराब दुकानें खोलने जा रही है, उसकी वैकेंसी निकालेगी। एक तरफ सरकार पाठशाला बंद करा रही है, 300 से अधिक विद्यालय इन्होंने बंद किए, अब सैकड़ों की तादाद में शराब भट्टियां खोलेंगी।